हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा, आज की जीके की क्लास में हम चैप्टर 20 पेज नंबर है 30 मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इसे करेंगे। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। केयरफुली रीड each information and name of the structure, write where it is in located। यहाँ पर कुछ information दी गई है, हर चीज के बारे में दी गई है बेटा, information दी गई है और उस structure के name भी दिए गए हैं। आपको ये बताना है ये कहाँ पर located है, कहाँ पर है ये। फर्स्ट, अ यूनिक प्रोजेक्ट द बिग डिग इज अ 5.1 किलोमीटर लॉन्ग टनल दैट इज बिल्ट अंडर ए सिटी टू रिलीव ट्रैफिक कंजेक्शन। कैन यू नेम द सिटी अंडर विच इट इज बिल्ट। ये बेटा एक बहुत बड़ी टनल बनाई गई है जो 5.1 किलोमीटर है और एक सिटी के नीचे बनाई गई है, सिटी के अंडर बनाई गई है ताकि ट्रैफिक से राहत मिल सके। हमें उस सिटी का नेम बताना है जिस सिटी के नीचे ये टनल बनाई गई है, उसका नाम है हमारा बोस्टन सिटी और ये है यूएसए में। सेकंड लेते हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम इट कैन सीट 1,50,000 पीपल कंफर्टेबली। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसके अंदर 1,50,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पहले तो बताना है उस स्टेडियम का नेम बताना है, उसके बाद ये कहाँ पर है ये बता तो मैं देती हूँ आपको। ये नॉर्थ कोरिया में है और उस स्टेडियम का नाम है रनग्राडो मेडे नॉर्थ कोरिया में है। थर्ड पे आ जाओ, लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड इट लिंक कोबे टू अवाजी आइसलैंड। अवाजी जापान में है। उस ब्रिज का नाम बताना है हमें, वो है आकाशी काइको ब्रिज। ठीक है, ये ब्रिज बना हुआ बेटा, ये है लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा। नंबर फोर पर आ जाओ, द फास्टेस्ट मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन इन द वर्ल्ड इट कैन रीच अ स्पीड ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर्स इन 2 मिनट्स विद द मैक्सिमम नॉर्मल ऑपरेशन स्पीड ऑफ 431 किलोमीटर पर आवर्स। वो है मैगलेव चाइना में है बेटा, मैगलेव है और चाइना में। नंबर फाइव पर आता है हमारा, द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर संसार में, बुर्ज खलीफा ये है बेटा दुबई में है। लास्ट, द हाईएस्ट रोड ब्रिज इन द वर्ल्ड, द रोड कनेक्ट पेरिस एंड बैरिलोना, इट इज द हाईएस्ट ब्रिज पेरिस स्टैंड एट 240 मीटर। इसका नेम बताना है हमें, मेलियो बाय वायडक्ट है ये बेटा। इसके
नीचे दी हुई ये हेल्प बॉक्स में आपको इन्हीं में से लिखना था, मैंने ये आपके आंसर कर दिए हैं, ये आपको अपनी बुक में ही फिलअप करने हैं और इनको आपको लर्न भी करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें। थैंक्स।